हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है लोकल फार्मर की इस नए वीडियो पर। दोस्तों, भारत एक कृषि प्रधान देश है और यहाँ पर अलग अलग जलवायु वाला क्षेत्र होता है। अलग अलग क्षेत्र का मतलब यही है कि यहाँ पर जैसे एक क्षेत्र है तो वहाँ पर शिमला मिर्च की खेती हो, तो अलग अलग जलवायु में अलग अलग प्रकार की खेती होती है। लेकिन कुछ खेती ऐसी भी होती है जो भारत के हर क्षेत्र में हो सकती है। उसमें से एक खेती है पपीते की खेती। दोस्तों, पपीते की खेती तापमान के ऊपर निर्भर होती है। पपीते की खेती को हम 30 डिग्री सेल्सियस से 45 डिग्री सेल्सियस के बीच पर भी हम पपीते की खेती को आसानी से कर सकते हैं। तो आज हम इस वीडियो में जानेंगे पपीते की खेती के बारे में। तो दोस्तों, हम आज पपीते की खेती को 5 पॉइंट के आधार पर हम इस खेती को जानेंगे। पहला है लागत, दूसरा है उत्पादन, और तीसरा है समय, और चौथा है आमदनी, और पांचवा है मुनाफा। तो आज हम 5 पॉइंट के आधार पर पपीते की खेती को संपूर्ण तरीके से जानेंगे। दोस्तों, एक किसान भाई हैं, इनके ही का बगीचा है और इनका नाम है, आप बताइए आपका नाम क्या है? उत्तर कुमार साहू। आप कहाँ से हैं? पेंडरवानी। और आप कौन से जिले में हैं? खैरागढ़ गंडई छिकदान। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ से हम लोग हैं, तो इन्हीं का बगीचा है। आज हम पपीते की संपूर्ण जानकारी इन भाई से जानेंगे। तो सबसे पहले आप बताइए, आपने पपीते के बारे में कहाँ से जानकारी प्राप्त किया? मैं पहले रोटावेटर मारेला महगांव गिरे हूँ, वहाँ से मुझे जानकारी मिली से पपीते के बारे में। ठीक है, कि आप पपीते की वैरायटी के बारे में, कौन सा वैरायटी है पपीते की? है नहीं, ताइवान रेड लेडी। आपने सबसे पहले क्या किया है ना, इसी पपीते की खेती के उत्पादन के बारे में? तो सबसे पहले आप बताइए उत्तरा भाई, कि आपने इसमें लागत क्या क्या लगाया? पहले सबसे पहले तो गोबर खाद डाला। ठीक है, उसके बाद फिर पौधे लाया। रेड लेडी ताइवान रेड लेडी का। बहुत नाम सुना है उस वैरायटी का, काफी अच्छा उत्पादन होता है। तो लागत आपको क्या लगाया, मतलब जैसे कि आप दिख रहे हैं यहाँ पर दिख रहा है, देखिए ड्रिप सिस्टम लगाया हुआ है पपीते की खेती में। तो आपने कितना लगा था ड्रिप में? ड्रिप में तो सेकंड हैंड ड्रिप ले रहे हूँ, वो मैं 80,000 में लाने रहे हूँ, ओकर बाद 5-6 एकड़ में पूरी से हो। तो अभी तक आपने पपीते की खेती कितने एकड़ में लगाया? अभी 3.5 एकड़ में लगाया। आप पहली बार खेती कर रहे हैं कि और खेती कर चुके हैं? पहली बार कर रहे हूँ। काफ़ी कॉन्फिडेंस दिख रहा है अभी आपके चेहरे पर, काफ़ी स्माइल है। तो रेट वेट का क्या है दिक्कत अभी? रेट तो अभी ठीक है, 23 रुपये, 22 रुपये, 18 रुपये तक। कौन से महीने में आपने पपीते की खेती शुरू की? मार्च में। आपने कितने एकड़ में लगाया है? 3.5 एकड़ में। तो 3.5 एकड़ के लिए आपने कितने पौधे लगाए, मतलब लाए हैं? 3200 रुपये लगाए थे। और एक पौधा की कीमत कितना रुपये मिला? 18 रुपया। 18 रुपया, तो आप लोग स्वयं गुणा कर लीजिएगा। और काफ़ी अच्छा तैयार किए हुए हैं। और इसमें मतलब प्रोसेस कितने दिन का होता है पपीते की खेती? ये साल भर का हो जाता है। और इसमें दवाई छिड़काव के लिए दवाई तो डेली भी छिड़ सकते हैं और हफ्ता भी छिड़ सकते हैं। मतलब सामान्य कौन सी दवाई ज़्यादा आपको यूज़ करना पड़ता है पपीते की खेती में? ये माँ डीपी ज़्यादा लगते हैं। डीपी की? हाँ। और पानी आप कितने मतलब देते हैं? पानी 2-4 दिन में, या तो गर्मी के सीजन में ना, डेली चलते हैं गर्मी के सीजन में। पपीते की खेती हम शुरुआत से जानेंगे और मिट्टी को तैयार कैसे किया ये उत्तरा भाई बताएंगे आपको। तो सबसे पहले आपने मिट्टी तैयार किया इसके बारे में बताइए। पहले तो प्लाव किया। हाँ, प्लाव किया है ट्रैक्टर से। हाँ, उसके बाद फिर नौनास में एक बार और जुताई किया। नौनास में फिर जुताई किया है, उसके बाद रोटोवेटर चलाया ताकि मिट्टी भुरभुरी हो जाए। हाँ, उसके बाद फिर रेजर से मांदा खींचे। हाँ, मांदा जो ये दिख रहा है ये बड़ा बड़ा ये। हाँ, उसके बाद फिर बगवानी लगाया, मतलब बगानी आपने मतलब प्लांट को लगाया। हाँ, है ना। उसके बाद ड्रिप को बिछाया है। ड्रिप कितने खर्चा किया आपने बताया उस टाइम? 80,000 रुपये लगाए 3.5 एकड़ में। हाँ। 3.5 एकड़ में 80,000 का यहाँ पर लागत लगा हुआ है ड्रिप का। उसके बाद आपने तैयार किया, वहाँ कितना मेहनत लगता है पपीते की खेती में? इतना नहीं लगता है, लेकिन ज़्यादा नहीं लगता है दूसरे की अपेक्षा। मतलब आपने पपीते के अलावा और कौन सी खेती किए हैं? सिर्फ धान बस किया हूँ। धान बस का और टमाटर चना कुछ नहीं? कुछ नहीं, कुछ नहीं। तो देख सकते हैं आपने मतलब अपना पूरा ध्यान इन्होंने पपीते की खेती में लगाया हुआ है। तो चलिए दोस्तों, हमने तो जान लिया प्लांट लगाने तक के बारे में, उसके बाद हम जानेंगे कि प्लांट में दवाई छिड़काव। तो दवाई सबसे ज़्यादा आपने कौन सा छिड़काव किया है? दवाई काइड दवाई है ऐसे करके, मतलब नाम के हैं भैया। ये बताइए कि आप मतलब शुरुआत अवस्था से आपने कौन से दवाई छिड़काव किए हैं? मतलब शुरुआत में पहले ना ब्लू कापर छींचे थे। ब्लू कापर जो बरसात के टाइम, मतलब बरसात ज़्यादा नुकसान करता है पपीते की, है ना। उसके बाद कौन सा दवाई? उसके बाद फिर वो ये क्या बोलते हैं, हाँ मतलब बीमारी कौन सा सबसे ज़्यादा आता है पपीते की खेती में? वायरस पीलापन आता है ना, पीलापन आना है, उसे दूर करने के लिए कौन सा दवाई चलाते हैं? रोको चलाते हैं। रोको है सिस्टमेटिक, और ये फंगिसाइड है फफूंदनाशक। हाँ, उसके बाद फल फूल लाने के लिए 0-34, और उसके बाद फल में बैठाने के लिए, और ये जो अपन डबल नाम का एक तो टॉनिक आता है, उसको टॉनिक है। सभी कुल मिला के काफ़ी अच्छा तरीके से यहाँ पर इधर दिखाई दी तैयार किए हुए हैं। तो आप देख सकते हैं एक पेड़ में काफ़ी अच्छा तरीके से यहाँ पर फल लगा हुआ है। तो उत्तरा भाई, ये बताइए कि एक पेड़ में कितने किलो की मतलब यहाँ पर फल आ जाता है? मेहनत ऊपर से है 70 किलो के आसपास आ जाता है, 70 किलो 80 किलो 70 एक क्विंटल के आसपास भी आ जाता है, एक क्विंटल के आसपास भी आ जाता है। और औसतन आप साल में 1 एकड़ में कितने की कमाई कर सकते हैं पपीते की खेती में? अभी तो शुरू साल कर रहा ना, समझ में नहीं आएगा, इसके बाद आएगा। सही बात है, हम नेक्स्ट ईयर जब उत्तरा भाई का फल बिछा जाएगा तो हम फिर से वीडियो बनाएंगे और आपको फिर से इसी वीडियो में बताएंगे।